नमस्कार दोस्तों, तो आज हम फिर आपके सामने पार्ट नंबर 6 महाराणा प्रताप लेके आए हैं। महाराणा प्रताप के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि जब हमारे भारत देश में मुगलों का साम्राज्य था, मुगलों के साम्राज्य में सभी भारत के जितने भी राजा थे, सभीयों ने मुगलों के प्रति बगावत ना करके उनकी सहायता करना, उनके कार्यों में हाथ बटाना अपना मूल कर्तव्य मानते थे। उनसे युद्ध ना करके, उनसे संधियां करके उनके साथ मिलकर राज्य किया करते थे। लेकिन महाराणा प्रताप भारत देश में एक ऐसे राजा हुए कि जिन्होंने मुगलों का गुलामी नहीं करते हुए, उनसे संधि नहीं करते हुए भारत को स्वतंत्र, जो अपना साम्राज्य था, अपना राज्य था, उसे स्वतंत्र बनाने के लिए हर वक्त प्रयास किया। अनेक वर्षों तक मुगलों से इनका युद्ध चलता रहा और इन्होंने निश्चय किया कि जितने भी हमारा जो राज्य है, जितने भी उसके स्थान हैं, जब तक मैं मुगलों से उनको नहीं छुड़ा लेता, तब तक मैं अपने राज्य में सोने की थालियों में भोजन नहीं करूंगा, मखमल के गद्दों पर नहीं सोऊंगा और राजमहल में निवास नहीं करूंगा। इसी कारण उन्होंने मुगलों के सम्राटों से अनेक युद्ध किए और युद्ध में अपने राज्य को छुड़ाने के लिए उनको कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे धन की और जन की उनको अत्याधिक हानि हुई और वो कमजोर पड़ गए। महाराणा प्रताप को, जो महाराणा प्रताप जी थे, उनको हम उनके गौरव, वीरता, आत्मविश्वास के कारण आज भी इतिहास में उनका नाम सबसे श्रोमणि है। तो आज हम इनके बारे में बताएंगे कि महाराणा प्रताप जी ने अपने राज्य के लिए, अपने सम्राट को बचाने के लिए, अपने देश के लोगों के लिए क्या क्या बलिदान दिया और मुगल वंश के शासकों के प्रति उसने किस प्रकार का युद्ध किया और उस युद्ध में जो हमारे युद्ध जगह थी हल्दी घाटी, उनका मुख्य युद्ध था। देखिए महाराणा प्रताप उत्सर्ग परंपराया, उत्सर्ग परंपरा कहते हैं कि जो वास्तविक परंपरा है या त्याग की परंपरा है। त्याग की परंपरा से उद्भव भूमि उत्पत्ति भूमि है, उत्पत्ति स्थान है। त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान महाराणा प्रताप के पुण्यभूमि मेवाड़ राज्य, मेवाड़ राज्य को नहीं जानते, कौन नहीं जानता है। इसमें बताया है त्याग की परंपरा पवित्र भूमि, महाराणा प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। यम राज्यम, इस राज्य में, कौन से राज्य में, मेवाड़ राज्य में, इस राज्य में तुरणाम शौर्यम, वीरों की वीरता शौर्यता, यूनाम आत्माहुत्या, यूनाम जवानों की आत्माहुत्या, बलिदान जवानों का बलिदान या युवाओं का बलिदान, सतीनाम जौहर, सतीनाम सतियों का जौहर, जौहर परंपराया परंपरा, सतियों की जौहर की परंपरा,
विश्वास्मी कहते हैं बहुत, जगती कहते हैं संसार में महती अत्यधिक प्रसिद्ध अलवत हुई। इस सम्राट में, इस राज्य में वीरों की शौर्य, युवाओं का बलिदान, सतियों के जौहर की परंपरा विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुई। मेवाड़ राज्य से है सिसोदिया वंश से, मेवाड़ राज्य में सिसोदिया वंश में, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, प्रभृति वीराणाम सुदीर्घ परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा और अत्यधिक या अधिक वीरों की बहुत लंबी परंपरा है। अस्यामेव परंपरा है महाराणा प्रताप से, अस्यामेव कहते हैं इसके ही परंपरा कहते हैं, परंपरा में इसकी या इस राज्य की परंपरा में महाराणा प्रताप से, महाराणा प्रताप का जन्म कहते हैं जन्म, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम से, विक्रम 1597 तमे वर्ष से, 1597 में विक्रम संवत 1597, 1540 ईस्वी से, 1540 ईस्वी में विक्रम संवत है 1597 में और ईस्वी है 1540 ईस्वी। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम, जेठ महीने की शुक्ल तृतीय को अवत हुआ। इस परंपरा में या इस ही परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 और 1540 ईस्वी में जेठ महीने की या जेठ महीने की शुक्ल तृतीय को हुआ। प्रताप वाले कालात, प्रताप कहते हैं प्रताप, वाले कालात बचपन से ही, वाले कहते हैं बचपन, काला कहते हैं समय से ही, वीर योद्धा कहते हैं वीर योद्धा, प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी, धीर नायक, धैर्यवान या धीरज रखने वाला नायक है स्वामी आसीर कहते हैं था। प्रताप वाल्य काल से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक था। पितु उदय सिंह अनंतरम, पितु उदय सिंह, पितु कहते हैं पिता, उदय सिंह कहते हैं उदय सिंह, अनंतरम कहते हैं बाद में, पिता उदय सिंह के बाद में प्रताप महाराणा पदवी प्राप्त स्वयं वयस, प्रताप महाराणा पदवी को प्राप्त करने के लिए अपने 32वें वर्ष से 32 वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासनम, मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़वान बैठे। पिता उदय सिंह के बाद में प्रताप महाराणा पदवी पर अपनी 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे। तस्य राज्य अभिषेक, तस्य उसका राज्य अभिषेक कहते हैं, राज्य अभिषेक गोगुंदा ग्राम में अवध, गोगुंदा ग्राम में हुआ। दूसरा पैराग्राफ देखें, तस्मिन काले उत्तर भारते, तस्मिन उस काले काल में या समय में, उत्तर भारते उत्तर भारत में, उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशिया नाम, मुगल वंशों का शासका नाम कहते हैं शासकों का, मुगल वंश के शासकों का शासनमाती आसीत शासन था। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का शासन था। राजन तद एव सेवम, कि राजा उन तद एव सेवम कि उनकी सेवा को ही, राजा उनकी सेवा को ही, किनकी सेवा को, मुगल वंशीय शासकों की सेवा को, जो भारत के राजा था, राजा थे, उनकी सेवा को ही स्वयं कर्तव्यम अपना कर्तव्य मन्य माना मानते थे। भारत के राजा मुगल वंशीय राजाओं की सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते थे। इसी कारण देश रक्षा कर्तव्य, देश की, अपने देश की रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा विमुख आसन, सर्वथा हमेशा विमुख विमुख आसन थे। इसी कारण वे अपने देश की रक्षा के कर्तव्य से विमुख थे, अलग थे। मुगल शासक से है सहायम विधाय, मुगल शासकों के सहायम कहते हैं सहायता, विधाय करके, मुगल वंशीय शासकों की सहायता करके।
आत्मगौरव मन्यते है इसमें, आत्मगौरवम आत्मा अपने गौरव कहते हैं, गौरव मन्यते इसमें मानते थे। मुगल वंश के शासकों की सहायता करके वे अपना गौरव मानते थे। शत्रु भी सहे दीर्घकालीन युद्धनाम कारण ही मेवा राज्य स्थिति समीचीना ने आते। शत्रु भी शत्रुओं के सहे साथ, शत्रुओं के साथ दीर्घकालीन लंबे समय से युद्धनाम युद्ध करने से कारण कहते हैं, कारण से मेवाड़ राज्य की स्थिति स्थिति समीचीना उचित या अच्छे में नहीं आसित थी। शत्रुओं के साथ लंबे समय से युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य फिर भी प्रताप, यद्यपि फिर भी प्रतापस्य प्रताप, पिता पिता फिर भी प्रताप का पिता महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह कौन थे प्रताप के पिता? महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत, प्रतापी राजा थे। फिर भी प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह एक प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति वशात, लेकिन किंतु लेकिन परिस्थिति वशात, परिस्थितियों के वशीभूत होकर चित्तौड़ आदि स्थानीय चित्तौड़ और आदि स्थानों को अक्रांत भी अधिग्रहणी अक्रांतियों ने, मुगलों ने, शत्रुओं ने अनेक स्थान को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, दोबारा देखें, लेकिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर चित्तौड़ के अनेक स्थानों को मुगलों ने, शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया था, उनको घेर लिया था। अतएव सिंहासन अरुण, अतएव लेकिन सिंहासनम सिंहासन पर अधिरूढ़ बैठे बैठने पर या बैठने के बाद, लेकिन सिंहासन पर बैठने के बाद प्रताप प्रताप ने हस्त हाथ से अच्युतान गए हुए, हाथ से गए हुए प्रमुख दुर्गान प्रमुख दुर्गों को, मुख्य दुर्गों को प्राप्त प्राप्त करने के चिंते आरंभ है सोचना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सिंहासन पर बैठते ही प्रताप ने अपने हाथ से गए हुए अनेक स्थानों को या अनेक दुर्गों के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। प्रथम से सबसे पहले वह, प्रथम सबसे पहले से वह, सबसे पहले वह से स्वामी भक्त सामंता नाम, से अपने स्वामी भक्त सामंता नाम सामंतों की, सबसे पहले वह अपने स्वामी भक्त सामंतों स्थानीय वीर जनाम स्थानीय वीर लोगों के चय और सभाम सभा आकारितवान की। सबसे पहले प्रताप ने अपने स्वामी भक्त और स्थानीय वीरों की एक सभा की। तत्रे सह प्रतिज्ञाम कृतवान, तत्रे वहां ही से उसने, वहां ही उसने कहा जहाँ उन्होंने सभा की थी उस जगह पे ही उसने, उसने मतलब कि महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की, वहां ही महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की देखें, यावतम अहम हस्त अच्युतान, यावतम जब तक अहम मैं हस्त अच्युतान हाथ से गए हुए, जब तक मैं हाथ से गए हुए से राज्य भागान अपने राज्य के भागों को पुनः दोबारा मैं प्राप्स्यामि प्राप्त नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने हाथ से गए हुए भागों को या अपने राज्य के गए हुए भागों को प्राप्त नहीं करूंगा, तावत तब तक सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि। सुवर्ण पात्रेषु सोने के बर्तनों में भोजनम भोजन मैं नहीं करिष्यामि करूंगा, जब तक मैं सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। राजप्रसादे वासम न करिष्यामि, राजप्रसादे महल में वासम वास मैं नहीं करिष्यामि करूंगा, और राजमहल में भी निवास नहीं करूंगा। मृदुतल्पे च शयनम न करिष्यामि, मृदुतल्पे जो मखमल के गद्दे हैं, कोमल जो गद्दे हैं
कोमल जो सैया है, सोने का स्थान है, उन पे भी सेनम नहीं करिष्यामि, सेन भी नहीं करूंगा, सोऊंगा भी नहीं। महाराणा प्रताप ने वहां क्या प्रतिज्ञा की थी कि अपने राज्य में से जो हाथे गए हुए स्थान है, जब तक मैं उनको प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक सोने के बर्तन में भोजन नहीं करूंगा, अपने राज्य में निवास नहीं करूंगा और मक्खन के गद्दों पर भी सेन नहीं करूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। आगे देखें, प्रतापस्य राज्यकाले, प्रतापस्य प्रताप के, राज्यकाले राज्यकाल में, प्रताप के राज्यकाल में, अर्थात जब प्रताप राजा बना था उस समय, अकबर इति नाम के है मुगल शासक आसीत, अकबर नाम का एक मुगल शासक था, प्रताप के शासन काल में एक अकबर नाम का मुगल शासक था। अकबर से सैन्या सह प्रताप से अनेक बार युद्धम अवत, प्रताप से प्रताप के सैन्या सह सेना के साथ, प्रताप की सेना के साथ, अकबर से सैन्या सह अकबर की सेना के साथ, प्रताप से अनेक बार प्रताप से प्रताप के अनेक बार अनेक बार युद्धम युद्ध अवत हुआ, अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम, जो मुख्य युद्ध था, सबसे भयंकर युद्ध था, वह हल्दी घाटे स्थाने अवध, हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। जो मुख्य युद्ध था वह हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव एतत्, इसीलिए यह हल्दी घाटी युद्धम इति ही नामा प्रसिद्ध अस्ति, इसीलिए यह युद्ध हल्दी घाटी युद्ध के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतक इति नाम के है अश्व आरुणे बहु शौर्यम् प्रदर्शितवान्। अस्मिन् युद्धे, इसी युद्ध में प्रताप चेतक है, प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर, अश्व घोड़े पर आरुणे बैठकर बहु शौर्यम् प्रदर्शितवान्, बहुत अधिक शौर्य या वीरता प्रदर्शितवान् दिखाई। इसी युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर बैठकर अधिक या बहुत वीरता दिखाई। प्रताप से सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्, प्रताप से प्रताप के सेना पर्वतीय युद्धम की पर्वतीय युद्धों में कुशला आसीत्, बहुत कुशल थी। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में बहुत कुशल थी। अतएव मुगल सैन्य अति क्षति जाता, अतएव इसीलिए मुगल सेना की अति क्षति जाता, बहुत क्षति जाता हुई, इसीलिए मुगलों की सेना की अधिक क्षति हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानाम, मुगल सेना जो मुगल सेना था, मुगलों की जो सेना थी, स्थानीय जनानाम जो स्थानीय लोग थे, विरोध कारण परावृतः, विरोध कारणेन कि विरोध करने के कारण परावृतः लौट गए। मुगलों की सेना स्थानीय लोगों के विरोध करने के कारण लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य, अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में, प्रतापस्य प्रताप के, इस युद्ध में प्रताप के राज्य अपि जन क्षति, राज्य अपि राज्य में भी जन क्षति, लोगों की हानि, धन क्षतिस धन की हानि संजाता हुई। प्रताप के राज्य में भी युद्ध से या युद्ध के कारण लोगों की हानि और धन की भी हानि हुई। तस्य सेना भी, तस्य उसकी सेना भी, सेना भी उसकी सेना भी, धनावे धन के अभावे कहते हैं, अभाव में कमी में, उसकी सेना भी धन के अभाव में या कमी में, किसकी सेना, महाराणा प्रताप की सेना, महाराणा प्रताप की सेना धन की कमी के कारण विघटिता टूट गई, बिखर गई। परम प्रताप कदापि, परम कहते हैं परंतु, लेकिन प्रताप कदापि, प्रताप ने कभी भी पराजय ने स्वीकृतवान, पराजय को कभी भी स्वीकार नहीं किया, परंतु या लेकिन प्रताप ने पराजय को कभी भी स्वीकार नहीं किया।
अरण्य कहते हैं वन के, गुहा प्रदेशु कहते हैं गुफाओं प्रदेश में, वन की जो गुफाओं प्रदेश था, क्षेत्र था, स्थान था, उसित्वा रहकर बिताकर स्व संकल्प सिद्धे, स्व अपने संकल्प संकल्प को सिद्धे कहते हैं, सिद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। तेने संग्रहम उपाकृतम, से हमें संग्रह कहते हैं सेना को इकट्ठा करने का, उपाक्रम है कहते हैं इकट्ठा करना, प्रारंभ कर दिया, जोड़ना प्रारंभ कर दिया, या सैनिक बनाने का काम कार्य प्रारंभ कर दिया। वन की गुफाओं के प्रदेश में रहकर महाराणा प्रताप ने अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए सेना को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। अब बताए कि महाराणा प्रताप का कौन सा संकल्प था, क्या संकल्प लिया था उन्होंने, क्या प्रतिज्ञा की थी? महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, अभी आपको बताया था कि जब तक मेरे राज्य में से जितने भी क्षेत्र मुगलों ने घेरे हैं, मैं उनको वापस प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक मैं सोने के जो बर्तन हैं मैं उन्हें भोजन नहीं करूंगा, राज्य में नहीं रहूंगा और मक्खन के गद्दों पर शयन नहीं करूंगा। उसने कहा कि जब तक मैं अपने राज्य को नहीं लूंगा, मैं अपने संकल्प से संकल्प को पूरा करने के लिए युद्ध करूंगा। आगे देखिए, सैन्य संग्रम तत्प्रक्षणम छे बहुवित्त साध्य कार्यम, सैन्य संग्रहम सेना को इकट्ठा करने के लिए, भयंकर सेना बनाने के लिए, बड़ी सेना बनाने के लिए, ताकतवर सेना बनाने के लिए, तत्प्रक्षणम और उनको शिक्षा देने के लिए। किसकी शिक्षा? युद्ध की, युद्ध की शिक्षा देने के लिए, युद्ध में कौशल बनाने के लिए, उनको कुशल बनाने के लिए, निपुण करने के लिए। बहुवित्तीय साध्यम, बहुत वित्तीय साध्यम धन का कार्यम कहते हैं, कार्य था युद्ध के लिए, बड़ी सेना बनाने का, बनाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी, यह कार्य था। मेहता दारिद्र्येण पारितमा अमात्य प्रतापस्य इदम एव बहु चिंत्य कारण आसीत। मेहता दारिद्र्येण, मेहता कहते हैं बहुत, दरिद्रण कहते हैं गरीब होने के कारण, बहुत गरीब होने के कारण। परितम मान्य है, परित मान्य कहते हैं कि जो उनका संकल्प था उसको सिद्ध करने के लिए, प्रताप से इदम एव, प्रताप से, प्रताप का इदम एव यह ही बहुत चिंतित कारण आसीत, बहुत चिंता का कारण था। प्रताप को, प्रताप अत्यधिक गरीब होने के कारण और अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, सेना को इकट्ठा करने के लिए बहुत चिंता का कारण था, बहुत सोचते थे। प्रताप से चिंतवा विभावे, प्रताप से चिंताम, प्रताप की चिंताम चिंता को विभावे देखकर, प्रताप की चिंता को देखकर। भामाशाह नामः कश्चन, भामाशाह नामः, भामाशाह नाम का कश्चन कहते हैं कोई। प्रताप की चिंता को देखकर या चिंतित देखकर प्रताप को भामाशाह नाम का कोई, कमपि श्रेष्ठ कहते हैं, सेठ कम अपि कहते हैं कुछ, महद कार्यम, महद कार्यम कहते हैं बहुत बड़ा कार्य, कर्तुम कहते हैं करने का, काल कहते हैं समय, समायत है आ गया है इति आविद्वान, ऐसा वो सोचता है। वो कहते हैं एक महाराणा प्रताप को चिंतित देखकर भामाशाह नाम का सेठ सोचता है कि अब बहुत बड़ा कार्य करने का समय आ गया है। सह प्रतापम निकषा गत्वा उवाच, सह वह प्रतापम प्रताप के, निकषा पास में, गत्वा जाकर उवाच बोला, वह प्रताप के पास में जाकर बोला, प्रभो कि हे प्रभु, ये प्रभु अहम भवदेव वंश से, अहम मैं भवदेव वंश से आपके वंश का, मैं आपके वंश का सेवकम, सेवक है सेवक हूँ, कि मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रचुरम धनम विद्यते, मम हस्ते मेरे हाथ में प्रचुरम बहुत अधिक धनम, धन विद्यते विद्वान है मौजूद है। महाराज
कि मैं आपके वंश का सेवक हूं और मेरे पास में बहुत सारा धन है। तेन भगवान, तेन कहते हैं उससे, भगवान आप, उससे आप, पंच विंशति सहस्र सैनिकान, पंच पांच विंशति 20 सहस्र हजार सैनिकान सैनिकों का, उससे आप पांच और 20 कितने हो जाते हैं, 25 सहस्र कहते हैं हजार, 25,000 सैनिकों का द्वार 10 वर्ष पर्यंत है, द्वार 2 10 10 2 10 12, आप 12 वर्षों तक उनका पालयतुम प्रभृत्य प्रभृत्यति पालन कर सकते हैं। कि हे प्रभु, मेरे पास इतना धन है कि आप 12,000 सैनिकों का और 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक पालन कर सकते हैं। सदा प्रताप आवाज, सदा तब प्रताप, प्रताप आवाज बोला, तब प्रताप बोला, अहम ने तरधनम स्वीकृतम सपनों में, अहम मैं नहीं, तरधनम तुम्हारे धन को, मैं तुम्हारे धन को स्वीकृतम स्वीकार सपनों में सकता हूँ, कि मैं तुम्हारे धन को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ। एतद् धनं भवतः अर्जितमस्ति, एतद् धनं कि यह धन भवता आपने अर्जितमस्ति, अर्जित किया है, कमाया है, क्या किया कि यह धन आपने इकट्ठा या कमाया है। कदा भामाशा प्रवोचन, सदा कहते हैं तब, भामाशा भामाशा प्रवोचनम कहते हैं बोला, तब भामाशा बोला, ने एतद् धनं परिकीयम, ने नहीं, इधर धनम कहते हैं यह धन, परकीयम कहते हैं दूसरे का है, कि हे महाराज कि यह धन दूसरे का नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जित इदम धनम यदि सहायकम भवे तहिरम मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। वो कहता है देश रक्षार्थम मया, देश की रक्षा के लिए मया, मेरे द्वारा अर्जितम इदम, अर्जित किया हुआ यह, कमाया हुआ यह धनम, धन यदि सहायक भवेत कहते हैं हो, तहिर कहते हैं तो, मम जीवनम मेरा जीवन सार्थकम अवश्यति सार्थक होगा। वो कहता है कि मेरे द्वारा कमाया हुआ धन यदि देश की रक्षा के लिए काम में आ जाए या काम में लग जाए तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, धन्य हो जाऊंगा मैं। भामाशाह वचनम श्रुत्वा, भामाशाह भामाशाह के वचनम श्रुत्वा, वचनों को सुनकर, भामाशाह के वचनों को सुनकर प्रताप है मन, प्रताप का मन, आसीन सांत्वनाम प्राप्तवान, आसीन शांत हम कहते हैं बहुत शांति को अप्राप्तवान प्राप्त कर लेता है। इस बात को सुनकर महाराज प्रताप का मन असीम शांति को प्राप्त कर लेता, बहुत शांति को प्राप्त कर लेता है। इससे आगे वाला पैराग्राफ देखें, तेन पुनः, तेन कहते हैं उसने, पुनः दोबारा, उसने दोबारा, सैन्य शक्ति संघे कार्यम, सैन्य शक्ति सेना की शक्ति का संग्रह कार्यम इकट्ठा करने के, उसने दोबारा सैन्य शक्ति थी जो सेना बनाने थी का कार्य दोबारा प्रारंभ कर दिया। किसने कर दिया, महाराणा प्रताप ने। महासैन्य चय रचे मास, महासैन्य, महा कहते हैं बड़ी, सैन्य कहते हैं सेना, चय कहते हैं और रचे मास कहते हैं रचना की या बनाई। महाराणा प्रताप ने एक बड़ी सेना की रचना की या बड़ी सेना बनाई। तया सैन्य चे मुगल शासनम, सया कहते हैं उसकी, सैन्य कहते हैं सेना, उसकी सेना, चे कहते हैं और उसकी सेना, मुगल शासनम मुगल शासकों के प्रति ओर, उसकी सेना मुगल शासकों की ओर, स्वातंत्र युद्धम आरवत है, स्वातंत्र युद्धम कहते हैं स्वतंत्र का युद्ध, आरभते कहते हैं प्रारंभ कर देती है।
और उसकी सेना मुगलों के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर देती है। स्वराज्य हस्त अच्युतान, स्वे अपने राज्य हस्त अच्युतान, राज्य अपने हाथ से गए हुए राज्य के अनेक भागों को पुनः दोबारा हस्तगतान कृतवान अपने हाथ में कर लेते हैं, अपने काबू में कर लेते हैं या उनका अधिकार जमा लेते हैं। युद्ध किया था तो युद्ध करने के बाद में अपने राज्य से जो अनेक भाग गए हुए थे उनमें से कुछ भागों को वो अपने हाथ में ले लेते हैं। उनमें से मुख्य थे तेसु, उनमें से कौन कौन से देखे, कुछ भाग थे कौन कौन से थे, मोही मोहिस्तान, गोवंदस्तान, उदयपुरस्तान इत्यादि और आधे मुख्य आसन, मुख्य मुख्य कहते हैं, मुख्य आसन कहते हैं थे, और इनमें से भी मुख्य थे कौन सा, मोही था, गोगुंदा था, उदयपुर था और मुख्य भी स्थान थे। स्वराज्य शांतिम, स्वे अपने राज्य राज्य में शांतिम शांति स्थापित करने के लिए, अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए चावंड नामकम स्थानम, चावंड नाम के स्थान को स्वे राजधानी मक्रोश अपनी राजधानी बना दिया। अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बना दिया, घोषित कर दिया। तस्मिन काले चावंड, तस्मिन काले उसी समय चावंड, चावंड में स्थानम कहते हैं स्थान में, स्थाप्य कला उस समय चावंड नामक स्थान में स्थाप्य कला, ललित कलाया ललित कलाएं, वाणिज्य से वाणिज्य, विद्याश्च और विद्या, प्रमुख केंद्र या मुख्य केंद्र आसीत थे। उस समय चामंड नामक स्थान में स्थापत्य कला, वाणिज्य, ललित कला और विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अब हम आपको सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है वो बताते हैं, वो देखें। अंते असावधने, हाँ अंते कहते हैं अंत में, जब इन स्थानों को उन्होंने ले लिया था, चावंड नामक स्थान को उन्होंने अपनी राजधानी घोषित किया था, तो लास्ट के समय में क्या होता है, अंते अंत में असावधानिया कहते हैं असावधानी के कारण, अंत में असावधानी के कारण। पादे धनुष, पादे कहते हैं पैर में, धनुष कहते हैं धनुष, प्रत्यक्ष घाते प्रत्यक्ष चढ़ाते हुए, प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष था, जो डोरी होती है वह चढ़ाते समय, धनुष में बांटते समय घातेन घायल, प्रताप अस्वस्थ अभवत, प्रताप अस्वस्थ हो गए। अंत समय में असावधानी के कारण धनुष पर प्रत्यक्ष चढ़ाते समय उनके पैर में घाव हो गया, वो घायल हो गए। 1597 तमें ईस्वी शब्द है प्रताप है दिवगत है, 1597 ईस्वी में प्रताप दिवगत है, अवत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, दिवगत हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास को चले जाते हैं 1597 ईस्वी में। अब ध्यान रखना, ऊपर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, उनका जो जन्म था वो जन्म कब हुआ था, 1597 शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ के शुक्ल तृतीया को हुआ था नहीं हुआ था 1597, और आप कहेंगे 1597 जन्म हुआ था और 1597 मैं तो बता रहे हैं क्या, और जब तभी हुआ हुआ था और तभी मर गया था, और युद्ध कब किया, तो ध्यान रखना 1597 मैंने आपको जो जन्म बताया था वह क्या था, विक्रम संवत था, क्या था, विक्रम संवत था। और मैं अभी 1597 में बता रहा हूँ जो इनकी मृत्यु है वो ईस्वी है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और कौन सी ईस्वी में जन्म हुआ था इनका, 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना 1540 में इनका ईस्वी में जन्म हुआ था।
और विक्रम संवत कौन सा था, 1597 इसको विक्रम संवत था। उनकी मृत्यु होती है 1597 ईस्वी में, ठीक है ध्यान रखना। प्रताप महान सेनानायक, प्रताप कहते हैं, प्रताप महान कहते हैं, महान सेनानायक कहते हैं, सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता चे और आसित थे। प्रताप एक महान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासीन, भारत कहते हैं भारतीय, भारत में वास करने वाले, भारत में रहने वाले। अधुनापि, अधुना कहते हैं आज, अपि कहते हैं भी, आज भी। तस्य कहते हैं उसके, स्वतंत्र प्रेमी, प्रेमिण, स्वतंत्रता प्रेमी। शौर्य गाथाओं की, वीरताओं की गाथाओं को गायंती गाते हैं। भारतवासी आज भी उनकी वीरता, जो प्रेमी हैं वे उनकी वीरता की गाथा को गाते हैं। किसकी वीरता गाथा गाते हैं, महाराणा प्रताप की। तो ये आपका पाठ महाराणा प्रताप हो गया। तो इसमें क्या बताया गया था कि महाराणा प्रताप ने कभी भी, महाराणा प्रताप को बहुत लोभ दिया गया था मुगल वंश के द्वारा। उन्होंने कहा था कि भाई तुम हमारे साथ मिल जाओ, हमारे साथ मिलकर राज्य करो। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा था कि मैं जब तक जीवित हूं, जब तक मेरे अंदर सांस है, तब तक मैं अपने राज्य को स्वतंत्र रूप से रखूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपने आप को, अपने प्राणों को भी न्योछावर करना पड़े। कभी भी महाराणा प्रताप ने मुगल वंश के शासकों के आगे संधि नहीं रखी, उनके साथ राज्य नहीं किया, उनकी बातों को कभी नहीं माना। और बाकी के जितने भी राजा थे उन सभियों ने मुगलों के साथ संधि की थी, उनकी बातों को मानते थे। और बातों को मानकर क्या होता था कि उनके कार्य को करना ही वो अपने गौरव मानते थे, यश मानते थे। अब उनकी बातों को मान के अपने देश के प्रति जो कर्तव्य था उससे वो अलग हो गए। तो इसी कारण, वीरता के कारण, धैर्यशाली बनने के कारण, संगठनकर्ता होने के कारण, जननायक होने के कारण, आज भारत का प्रत्येक देशभक्त व्यक्ति महाराणा प्रताप की गाथाओं को सुनता है, कहता है। और ये आपका पाठ हुआ। तो आखिर में आपसे फिर कहता हूँ कि अगला जो पाठ है अगले दिन लेके आऊंगा। तो सबसे पहले आप ये कमेंट करें, लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और बताएं कि आपको संस्कृत की जो बुक चल रही है किस प्रकार की लग रही है। धन्यवाद।